हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने पड़ोसी को बोलो, एक मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, एक मां अपने जन्माए हुए लड़के पर दया करना छोड़ सकती है, पर यहोवा कहता है मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। इज़राइल के 12 गोत्र जो तंबू के आसपास थे और लेवी गोत्र, इज़राइलों के पहलौठे के बदले में परमेश्वर ने लेवी लिए थे, और जब दोनों के पहलौठों की गिनती की गई, बच्चों की और इस लेवी के पहलौठों की, तो दोनों कितने थे? 22,000। वो परमेश्वर जो लाखों लोगों की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा था, और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में मैं कुछ चीजों को भूल रहा है, उसे मेरे वीजे से कोई मतलब नहीं, मैं गरीब हूं परमेश्वर को कोई मतलब नहीं, मैं धक्के खा रहा हूं, मेंटली डिस्टर्ब हूं परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। परमेश्वर आपकी छोटी से छोटी चीज की परवाह भी करता है और उसमें शामिल भी होना चाहता है और आपको चंगा भी करना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक जगह प्रेयर कर रहा था, और जब मैं प्रेयर करने के लिए निकलूं थोड़ा सा, तो दो चिड़ियां आए मेरे पास, रियल में दो चिड़ियां आके चू 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 चू, उनकी चू चू जो थी वो अच्छी वाली नहीं थी, वो बेचैनी वाली थी। मैं जानवरों के पास बहुत रहता हूँ, मेरे पास हर तरह के जानवर हैं, बकरी, भेड़, गाय, बैल, तोते, कबूतर, डक्स, मुर्गे, हर तरह के आप नाम ले लो, तीतर, चकोर, सब है मेरे पास। तो मेरे को उनका मालूम है, वो उनकी आवाज़ जो थी वो बड़ी खरवी वाली आवाज़ थी, उनको उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो मेरे को ये बात समझ आ गई थी कि यहाँ पर एक इनका घोंसला ज़रूर है, ये तभी मेरे पे चिल्ला रही हैं कि यहाँ पास मत आ, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद इसकी छत पे होगा या कहीं भी होगा। एक दिन जब मैंने, जब मैं प्रेयर कर रहा था और मैंने पर्दे को खोला, तो बाहर से वो कुछ नहीं दिखता था, लेकिन अंदर से पर्दा खोला तो आप वीडियो देखो क्या दिखा मुझे। दूसरी वीडियो को देखेंगे। ये इसका डैडी है और सारा दिन ये यहीं रहते हैं अपने घोंसले की रखवाली करने के लिए और बच्चों को खिलाने के लिए सारा दिन। अब ये जो आवाज़ें निकाल रहे हैं ना, ये मेरी वजह से निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे, उनको लगता है कि उनके बच्चों को कोई ले जाएगा, और बच्चे यहाँ पे ये खिड़की के पास, जब पहले दिन मैंने इन चिड़ियों को वैसे ही नोटिस किया तो थोड़ी मोटी मोटी थी, और मैंने छोड़ दिया नोटिस करके। दूसरा दिन, तीसरा दिन, जब मैंने छठवें सातवें दिन इनको, जब मैं चलता था वहां पे, तो ये आ जाती थी और चिर 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 करने लगती थी। तो मैं क्या नोटिस कर रहा था कि ये पतली होती जा रही, पहले थोड़ी मोटी थी लेकिन अब पतली होती जा रही। और ये नहीं कि एक माँ पतली हुई है, कि बच्चे पैदा हुए अब माँ पतली हो गई, बाप भी साथ में पतला हो रहा था, माँ भी पतली हो रही थी। और जब मैंने रूम के अंदर से अचानक देखा कि ये बच्चे हैं, इसीलिए ये इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे, तो इमेजिन करो आप, एक जानवर अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए और उनको खिलाने के लिए खुद पतला हो चुका। चुप, अगर मैं अभी भी आपको लेके जाऊं उस प्रार्थना के स्थान पे, अभी आ जाएंगी रात को चिड़िया, चिरचिर करने लगेगी। उनको खुद खाने का टाइम नहीं लग रहा, लेकिन अपने बच्चों को मैंने उनको खिलाते हुए चोंच के ऊपर, ऐसे बच्चे चोंच खोलते हैं और वो मुंह से डालते हैं अपने बच्चों के बीच। सुनो, परमेश्वर ने मुझसे बात की, परमेश्वर ने कहा अगर एक जानवर अपने बच्चों के लिए कमजोर हो सकता है, उनको पालने के लिए इतनी चिंता कर सकता है, दिन रात उनकी रक्षा कर सकता है, तो जो तुम लोग परमेश्वर के लहू से खरीदे गए हो, वो तुम्हारे लिए क्या नहीं सोचता होगा। एक जानवर देखो, एक जानवर अपने बच्चों के लिए बेचैन हो रहा है। हर टाइम जब मैं वहां पे जाता था
तो वो चिर 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 करते, दोनों ही हस्बैंड वाइफ मेरे पास आते थे और पतले होते जा रहे थे। मैंने नोटिस तो किया पतले हो रहे, लेकिन रीजन समझ नहीं आ रहा था। और एक दिन जब रूम के अंदर से देखा तो इतनी जबरदस्त जगह पे उन्होंने अपना घोंसला बनाया कि बाहर से दिखता तक नहीं, और अंदर से वो दिखता था कि बच्चे हैं। और वो मुंह खोलते थे और माँ उनको खाना खिलाती थी। और आज अभी भी अगर मैं रात को 12 बजे वहां चला जाऊंगा तो अभी भी चिरचिर करती दोनों हस्बैंड वाइफ आ जाए। एक जानवर अपने बच्चे के लिए क्या कर रहा है? आपको क्या लगता है परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता हो? एक जानवर जिसको परमेश्वर ने बनाया है और अपनी आत्मा भी नहीं दी, शब्दों से बनाया, जिस तरह टेंट बनाए, लाइट बनी है, ये खंभा बनाए, लोहा बनाए, उसी तरह जानवर बने शब्दों से। इंसान शब्दों से नहीं बना, इंसान मिट्टी को गूंथ कर परमेश्वर की आत्मा की सांस से बना है। आमेन। तो जो परमेश्वर ने जिसको आत्मा तक नहीं दिया, उसको उसने कैसी बुद्धि दी है? जिसको उसने अपना आत्मा तक दे दिया, अपना एक लौता बेटा तक दे दिया, इमेजिन करो वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर किस तरह से लेता होगा, किस तरह से देता होगा, आपको कितना प्यार करता होगा, किस तरह से आपकी केयर करता होगा। लेकिन मुश्किल यह है जब हमारी स्पिरिचुअल आईज बंद होती हैं। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपने बाप के साथ जब गाड़ी में जाता है तो उसको बड़ी ललक होती है कि मैं भी अपने डैडी की तरह गाड़ी चलाऊंगा। वो हमेशा कहता है मुझे बिठा दो, मुझे गाड़ी चलानी है। लेकिन उसका बाप जानता है कि मैं इसकी एक्साइटमेंट के चक्कर में इसका नुकसान नहीं कर सकता। आपका पिता जानता है आपको कौन सी चीज कब देनी है। आप जल्दी करने के चक्कर में रोएंगे चिल्लाएंगे तो आपका बच्चा जितना मर्जी रोए या चिल्लाए आप उसको गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे, तारों से पंगा लेने नहीं देंगे, टीवी ठीक करने नहीं देंगे, आप उसे वो काम नहीं देंगे जो उसकी सेहत के लिए और उसकी जान के लिए हानि हो सकते हैं। तो परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, मैं आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बता रहा हूं, अगर परमेश्वर ने मेरी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे दिए होते आज मैं प्रचारक नहीं होता, क्रिश्चियन होता और बिजनेसमैन होता। इतनी रूहें नहीं बचती, आप इतना प्रचार नहीं सुनते। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है अपने बेस्ट निश्चित ठहराए हुए समय के ऊपर, ताकि आप भी ब्लेस हो और आपकी जनरेशन जो आने वाली है वो भी ब्लेस हो। आप जानते हैं रोज की रोटी को शुरू करने का मकसद रोज दोपहर को 1 बजे, लाखों लोग उसे सुन रहे हैं, लाखों। आप इमेजिन कर लो कि एक महीने के अंदर 2 करोड़ से अधिक डिवाइस वचन को सुनते हैं, 1 महीने में 2 करोड़, 1 महीने। क्योंकि जब अगर शैतान अपनी ताकत को और अपने नए नए तरीकों को इस्तेमाल करके लोगों को पीछे खींच रहे, तो परमेश्वर भी अपने लोगों को इस्तेमाल करके शैतान को पीछे कर रहे। पहले पाप करना थोड़ा मुश्किल होता था, कोई गंदी फिल्म देखने लोग जाते थे, बेचारे VCR लेके आते थे, फिल्म लेके। अब तो मोबाइल खोलो तो फिल्म शुरू, शैतान ने आसान कर दिया। तो परमेश्वर ने भी ऐसा काम कर दिया कि उसी मोबाइल पर शैतान के बैंड बजाने का इंतजाम किया। आप जानते हैं सबसे रोज की रोटी को शुरू करने का मकसद यह है कि जो कलीसिया है वो सिर्फ संडे और थर्सडे वचन नहीं सुने, वो रोज वचन सुने। क्योंकि अगर वो रोज वचन सुनेगी, परमेश्वर के हथियारों से इक्विप्ड होगी, भरी होगी, और शैतान जो अब पल पल के ऊपर पाप को अटैक कर रहा है, पाप के साथ, उसे मालूम है उसका लास्ट टाइम आ चुका, उसे मालूम है यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले, उसे पता है ये चीजें, और वो ये चाहता है कि वो भी अपनी फसल को जल्दी काटे, ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर से हटे, उसका ये मकसद है। और परमेश्वर भी जानते हैं जितने मिरेकल्स आप देख रहे हो, जितनी हीलिंग्स आप देखते हो, जितनी बेदारी आप देखते हो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते पुराने टाइम के लोग, क्रिश्चियन लोग, इसके सपने देखते होंगे कि ऐसा हो जाए। अब लास्ट समय आ रहा है तो परमेश्वर भी इधर तैयार है, उसकी रूहें भी होलसेल में काटी जा रही हैं, शैतान भी अपना काम करने की कोशिश कर रहा है। तो जो वचन आप रोज सुनते हैं वो आपकी हेल्प करता है विश्वास में बने रहने के लिए।
परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए, परमेश्वर के आत्मा के वचन की जो नॉलेज है उसे ग्रहण करने के लिए, क्योंकि जितना वचन आपके अंदर होगा आपकी हेल्प करेगा। और जब शैतान आप पे अटैक करता है, आपको आपको अविश्वास के साथ, क्वेश्चंस के साथ, शरीर की अभिलाषाओं के साथ, उस समय वो वचन होगा जो आपको सुरक्षित रखेगा, बचा के रखेगा, और परमेश्वर से आप वो लेने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है लेकिन आपसे प्यार करता है। आमेन। तो आप पाप ना करें इसलिए वचन आपके अंदर होना जरूरी है। आमेन। उस वचन को सुनेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले अब्राहम के उस वचन को, उत्पत्ति के सबसे पहला गुनाह इस धरती पे कौन सा था, इस पूरी दुनिया में सबसे पहला गुनाह क्या था? हाँ नहीं आना गया कारी, तो उसका एक एक उसका तो एक नाम हो गया ना। सबसे बड़ा गुनाह क्या था, सबसे पहला गुनाह क्या था इस पूरी दुनिया में? हाँ आदम और हवा से पहले ये शुरू हुआ था, शैतान का घमंड और उसका विद्रोह, ये दुनिया का पहला अपराध था। आप जानते हैं लोग पूछते सबसे बड़ा गुनाह क्या है, आप जानते हैं क्यों लोग गिर जाते हैं? वचन की अज्ञानता के कारण। वचन कहता है कि मेरे ज्ञान की कमी होने से या ना होने से मेरी प्रजा नाश हुई। शैतान की वजह से नहीं, शैतान भी किस चीज को यूज करता है आपके खिलाफ, आपके ज्ञान की कमी को। दो इंसिडेंट है बाइबल में जिसमें मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये वाला पाप परमेश्वर बहुत सीरियसली लेता है और इसके ऊपर जजमेंट भेजता है और न्याय करता है। पहला पढ़ेंगे उत्पत्ति में अब्राहम की स्टोरी। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान नहीं थी, उसके हाजिरा नाम की एक नौकर थी। सारे ने कहा देख यहोवा ने मेरी कोख को बंद कर रखा है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की बात अब्राहम ने मानी। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके थे, उसकी पत्नी सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, उसकी दूसरी शादी हो रही है अब्राहम। वह हाजिरा के पास गया, वो गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। हाँ इसको बाद में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 30 को। हम अब्राहम की स्टोरी जानते हैं कि अब्राहम के कोई संतान नहीं हुई सारे से, तो उसने कहा दूसरी पत्नी कर ले। पुराने टाइम में 1 से 2 से 3 से भी अधिक पत्नियां होती थी, अब नहीं है रूल। ये मत सोचना कि तुम जाओगे और दूसरी तीसरी चौथी, कैंसल सारे प्लान शैतान के। आमीन। तो पुराने टाइम में लोगों की 1 से अधिक पत्नियां होती थी, धरती खाली थी, परमेश्वर की प्लान था उसको भरने का। तो बाइबल कहती है जैसे ही अब्राहम की दूसरी पत्नी पेट से हुई, वो सारा को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी, उसको छोटा समझने लगी। आगे क्या हुआ, सारा उसको दुख देने लगी, वो भाग गई। जब भाग गई तो यहोवा ने कहा कहां से आई है तू, उसको आवाज आई प्रभु की, उसने कहा मैं अपने स्वामी के घर से भाग आई हूं। तो परमेश्वर ने कहा तेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसको ब्लेस करूंगा, उसमें से प्रधान पैदा होंगे, जा अपनी स्वामिनी के पास वापिस और उसके वश में बनी रह। वापिस चली गई, बच्चा हुआ इश्माइल, बेटा हो गया, बेटा बड़ा हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम और सारा की भी सुधि ली और सारा को भी परमेश्वर ने बेटा दिया इजहाक। जब इजहाक का दूध छुड़ाया गया, तो ये इसराइलियों में पुराने टाइम में ये परंपरा थी कि दूध छुड़ाने का टाइम 9 साल 8 साल तक भी 7 साल तक भी बच्चे दूध मां का पीते थे, 3 साल तक कम से कम पीते थे, जब तक उनके दूध वाले दांत नहीं आते थे बच्चे मां का दूध पीते थे। अब जब इमेजिन करते 3 साल, चलो मान लो हम उम्र लगाते हैं कि इसहाक की उम्र 3 साल की थी, जब दूध छुड़ाया गया और पार्टी की गई, उस पार्टी में सारे शामिल हुए, और जो मिस्री हाजिरा का बेटा था इश्माइल, बाइबल कहती है वो इसहाक के साथ ठट्ठा मजाक और शैतानी हंसी कर रहा, मजाक कर रहा था उसके साथ गलत रीति से, यानी उसको मारने की रीति से या उसको नुकसान पहुंचाने की रीति से। सारा ने दूर से देखा, क्योंकि आप मजाक समझते हैं,
कोई बड़ा भाई छोटे भाई के साथ मजाक करे, आप समझते हैं उसे प्यार कर रहा है, लेकिन वो प्यार वाला मजाक नहीं था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो ठट्ठा, वो ताने, वो कुछ ऐसा मजाक था जो सारा को मतलब समझ आ गया कि ये बंदा, ये बच्चा, ये मेरे बच्चे के लिए, इजहाक के लिए अच्छी इंटेंशंस नहीं रखता। तो सारा ने पता क्या कहा अब्राहम को कि इस नौकरानी को और तेरे बेटे को अभी घर से निकाल। अब्राहम को बात बुरी लगी, उसे लगा कि ये शारीरिक है ये सारा। लेकिन जब अब्राहम परमेश्वर की हजूरी में गया तो परमेश्वर ने कहा, अब्राहम जो कुछ सारा कहती है उसे मान, और उसे उस बेटे को और उसकी नौकरानी हाजिरा को घर से निकालना पड़ा। समझ आ गई इतनी बात? अब वो अलग हो गए, अब्राहम सारा अलग हो गए। अब हम फिर देखते हैं उत्पत्ति 30 की इस आयत को। जब राहेल ने देखा कि याकूब से मेरे लिए संतान उत्पन्न नहीं होती, वह अपनी बहन से ढाक करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। याकूब ने राहेल से गुस्से में कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख परमेश्वर ने बंद करके रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा मेरी दासी बिलहा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने अपनी दासी बिलहा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो जाए और याकूब उसके पास गया और बिलहा पेट से हुई, याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया और उसका नाम उसने दान रखा। यह भी उसकी नौकरानी थी और उसने पत्नी होने के लिए दिया ताकि मेरे घर में एक बेटा पैदा हो, ताकि मेरी भी थोड़ी इज्जत रह जाए। याकूब के 12 बच्चे थे, कितने थे? 6 पैदा हुए उसकी पहली पत्नी से, लिया से, जो अप्रिय हुई, जिससे वो कम प्यार करता था, और परमेश्वर ने बैलेंस करने के लिए उसको 6 बेटे दिए। यहूदा भी उसी का बेटा जिसमें से यीशु मसीह निकले, लेवी भी उसी का बेटा जो सेवा करते थे, तो उसमें से 6 बेटे निकले, 6 बच्चे परमेश्वर ने लिया को दिए। राहेल की भी गर्भ को खोला, 2 उसे दिए, 2 राहेल की नौकरानी को दिए और 2 लिया की दासी को दिए, जो दोनों बाद में उसकी पत्नियां बन गई और 2-2 बच्चे उनके हुए। अगर आप देखें तो उनके 12 गोत्रों में 4 बच्चे उसकी तीसरी और चौथी पत्नी से हैं, लेकिन वो गोत्र में शामिल हुए और अब्राहम की दासी का बेटा गोत्र में शामिल नहीं हुआ। रीजन विद्रोह। आज इश्माइल, जिस तरह याकूब के 12 गोत्रों को हम बोलते हैं कि इज़राइल के 12 गोत्र हैं, इश्माइल भी गोत्रों में होता, इश्माइल भी अब्राहम की ब्लड लाइन में होता, परमेश्वर उसे छोड़ते नहीं, लेकिन विद्रोह, उसकी माता की इंटेंशंस कि मुझ पे अनुग्रह हुआ है तो उस अनुग्रह पे मैं अपने शीश को झुकाऊं, ना कि अपनी मुंडी को कड़क करके बेवकूफी करूं। पुराने नियम में जितनी घटनाएं होती उन्हें शारीरिक रीति से मत लो, वो आत्मिक रीति से सिखाने के लिए हुई। अन्य जातियों के लोग जब आज उसी हाजरा की तरह परमेश्वर में आते हैं, अपने शीश को झुकाओ, क्योंकि तुम इज़राइली नहीं थे कि यहोवा को मान सको, लेकिन यहोवा ने तुम पे अनुग्रह किया है। तुम तो नौकर भी नहीं थे, लेकिन अब तुम उसकी ब्लड लाइन में शामिल हो गए हो। तुम शान से कहते हो कि असी यसू दे बंदे आ, हाँ हम उसके बेटे और बेटियां हैं। शान से बोलते हो कि नहीं? पहले नहीं बोल सकते थे। विद्रोह किया, सारा की नौकरानी ने विद्रोह करके उस घर से निकाली गई, क्योंकि वो हम्बल नहीं थी, नम्र नहीं थी। शैतान जब लोगों को नाश करने के लिए उठता है, वो उन्हीं लोगों का विरोध आपके जरिए करता है जिससे आपको बरकत मिली है। और जब आप एक ऐसे व्यक्ति को विरोध करते हुए देखें जिसने उस व्यक्ति से उल्टा बरकत पाई हो, आप मेरी बात को समझ लेना कि उसके पीछे प्योर 100% शैतान खड़ा है। डेयरी के बाहर लिखा था ना, 100% देसी क्यों। आप मेरी बात याद कर लेना
कि उस बंदे के पीछे 100% शुद्ध शैतान खड़ा है। तुम काबिल नहीं थे लेकिन तुमको चुना गया, एक काम दे दिया गया, एक ड्यूटी दे दी गई, लेकिन शैतान ने गेम खेली वही जो वो सदियों से खेलता आया है, जो उसने खुद भी खेली थी। कहा था प्रभु यहोवा से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा और मैं आराधना नहीं करूंगा तो कौन करेगा। आज जब तुम लोग आराधना करते हो तुम्हारे बंधन टूटते हैं, पता है क्यों? परमेश्वर दिखाता है शैतान को, देख तू नहीं करेगा, ये लाखों करेंगे, ये करोड़ों करेंगे। इसलिए जब आप आराधना करते हैं शैतान के बंधन टूटते हैं। उन लोगों में मुझे दया आती जो वर्शिप के टाइम के बाद चर्च में घुसते हैं, इधर बाथरूम करने चले जाएंगे, चाय पीने चले जाएंगे, रोटी खाने, लेकिन अगर यहां पे 6 घंटे की बॉलीवुड की मूवी चल रही हो तुम उठोगे नहीं भाई साहब, पकड़ के भेजोगे पेट, तो घंटे बाद ही जाने हैं। हाँ कुछ खाना भी हो तो अपने छोटे भाई को भेजो, चल पॉपकॉर्न ले गया, मुझे टीवी के सामने से हटना नहीं है। जैसे कल को इसके फाइनल पेपर देने की, पूरी पिक्चर में क्या क्या आया था बताओ, नीली शर्ट वाली का नाम क्या था, पीली स्कर्ट वाली का नाम क्या था। लेकिन अगर चर्च में आना हो तो हम करते फटाफट, चलो प्रभु के दास के आने का टाइम हो गया, चलो चलो बैठो बैठो फटाफट बैठो, तुम आधी बरकत लेके जा रहे हो, पूरी नहीं। अगर पूरी बरकत चाहिए तुम वर्शिप करोगे, और यही शैतान जो विद्रोही हुआ, और परमेश्वर ने पहला गुनाह जो इस दुनिया के ऊपर हुआ वो विद्रोह का था, वो विद्रोह था, वो विरोध था, वो शैतान की की गई बगावत थी, और परमेश्वर ने शैतान को डांटा, शैतान को गिराया। जो लोग बोलते हैं धरती के ऊपर एक बड़ा उल्का पुंड गिरा था और उसके बाद धरती पे सारा कुछ नाश हो गया, वो उल्का पिंड नहीं था, वो शैतान था। उसके बाद कभी गिरा धरती के ऊपर क्या हो गया? उल्का पिंड बंद हो गए, बनने करोड़ों खरबों 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 अभी भी आसमान में घूम रहे हैं, गिरे क्यों नहीं? परमेश्वर ने गिराया नहीं। हालेलुया। धरती पर एक बड़ा उल्का पिंड गिरा था, वो उल्का पिंड नहीं था, वो शैतान था, जिसे बाइबल कहती है, जीसस क्राइस्ट ने भी जिक्र किया, मैं शैतान को आसमान से बिजली की नहीं गिरता हुआ देख रहा था। हालेलुया। क्यों गिरा? जब भी एक जगह के ऊपर, एक देश के ऊपर परमेश्वर की बड़ी योजना होती है तो परमेश्वर की यह इच्छा होती है उस देश के लोगों को वचन के द्वारा जागृत किया जाए। अगर आप अफ्रीका के चर्चेस में जाकर देखेंगे, अगर मान लो किसी अफ्रीका के चर्च में कोई बंदा है, उसको परमेश्वर ने कहा ओके जा और एक सेवकाई शुरू कर, वो कभी भी विरोध करके नहीं जाएगा अपनी चर्च का, वो अपने पास्टर से बात करेगा, मैं जाना चाहता हूं, आप मुझे ब्लेस करो, खुदा ने मुझे ये काम करने के लिए बोला है। और आप देखेंगे वहां पर ज्यादा चर्चिस हैं और लोग एक दूसरे का विरोध कम करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जब वो चर्चिस भी नई नई खड़ी हुई थी और उनका विरोध हुआ था और विरोध करने वालों की जनरेशंस खत्म कर दी थी परमेश्वर, उनकी टेस्टमनीज हैं, श्राप के नीचे रहे कितने साल श्रापों के नीचे रहे, संघर्ष करते रहे, जब तक उनका पूरा कोर्स सजा का हो नहीं गया, परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। इंटरनेट एक धोखा देने वाली वस्तु है, इंटरनेट को देखकर लोगों के जीवन में चल रहा है इसका अंदाजा मत लगाओ, जितने फीलिंग ब्लेस्ड लिखा होता है उतने वो ज्यादा कई बार श्रापित निकलते हैं, मत लगाओ अंदाजा। हालेलुया। जो पहला काम था जो शैतान ने किया विद्रोह, जब शैतान आपकी लाइफ में देखता है डिवाइन हेल्पर्स को, वो आपकी लाइफ में देखता है कि आप लोग बरकत पा रहे किसी वजह से, वो कोशिश करता है कि आपको परमेश्वर से, तो वो अलग नहीं कर पाता, आपको कोशिश करता है उस ब्लेसिंग से, उस सोर्स से, उस सोते से आपको अलग कर दिया जाए। लूत को लगा मेरी मेहनत के कारण मैं ब्लेस हो रहा हूं, पर उसे यह नहीं मालूम था अब्राहम के कारण तो ब्लेस हो रहा है, और अब्राहम के कारण इसलिए ब्लेस हो रहा है क्योंकि अब्राहम के ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है, अब्राहम परमेश्वर के प्लान का हिस्सा है, इसलिए परमेश्वर अब्राहम के जीवन में की गई किसी भी चीज को, अच्छी या बुरी को, बड़े ध्यान से लेता है और उसकी जजमेंट करता है। और हम अब्राहम की संतान, उसी के वंश, जो तुझे कोसे में श्रापित होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे वो ब्लेस किया जाएगा, तुम उसी की संतान हो। आमेन। और खासकर वो लोग जो बड़ी सेवकाई करने के लिए बुलाए गए,
उनके जीवन में ऐसी चीजों को परमेश्वर बड़े ध्यान से देखता है। हालेलुया। आपको यह बात समझ होनी चाहिए कि जब भी आप किसी को विद्रोह करता देखे, आपको मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे कौन खड़ा है। शुद्ध शैतान अकेला नहीं, कौन सा शुद्ध वाला शैतान, 100% प्योर डेवल खड़ा है इसके पीछे। इंसान नहीं, शैतान खड़ा है, क्योंकि वो वही कर रहा है जो आज से करोड़ों लाखों साल पहले उसने स्वर्ग में किया था और गिरा दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक अगर दासी के पुत्र को परमेश्वर ग्रहण कर सकता है और अपने गोत्र में शामिल कर सकता है, तो उसे हाजिरा के बेटे को अपने गोत्र में शामिल करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर रिस्पॉन्स, जो हाजिरा का रिस्पॉन्स था, जो उसकी नौकरानी का रिस्पॉन्स था कि वो तुच्छ समझने लगी, उस रिस्पॉन्स ने उसकी, बोलते हैं ना कि क्या कृतगण बोलते हैं, क्या बोलते हैं पंजाबी में, जो शुक्र गुजारे नहीं होते, हाँ अनशुक्र गुजार बोल दो, हाँ जो शुक्र गुजार नहीं, बेशुक्रा, उसके बेशुक्रेपन को देखकर परमेश्वर ने कहा अब्राहम सारा कहती है इसे निकाल, तो निकाल, ने नहीं शामिल होगी, क्योंकि ये वही कर रही है जो शैतान ने मेरे साथ किया था, मैंने उसको निकाला था, तू भी इसको निकाल दे, सारा की बात का गुस्सा मत कर। लेडीज में ये गिफ्ट होता है इनबिल्ड, आदमियों को पहचानने की क्षमता उसमें इनबिल्ड ज्यादा है, बंदों में है अगर उनके अंदर डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट का वरदान काम करता है। बंदों को स्पेशल एबिलिटी चाहिए बंदों को परखने के लिए, लेकिन लेडीज के अंदर ये नेचुरल भी है कि वो आदमी को परख सकती हैं, उसके दिल में क्या है, ये कैसे इंटेंशन के साथ देख रहा है, मुझसे बात क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसको सब मालूम। तो सारा ने देख लिया कि ये बंदा जो हंसी कर रहा है, मजाक कर रहा है, ये छोटी मोटी इंटेंशन नहीं है, इस बच्चे को मारने की इंटेंशन है उसकी। तो अगर आप परमेश्वर के बुलाए गए लोग हैं, आप हर कीमत के ऊपर अपने परमेश्वर के विजन को और उसके प्लान को अपनी लाइफ में बचा के रखेंगे। आपको निकालना पड़े किसी को, आप निकालेंगे, आपको बुलाना पड़े आप बुलाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज का वचन दिमाग खोल रहा है कि नहीं? जब भी आपको कोई काम करना है, करो। खुदा ने कुछ बोल करने के लिए बोला, करो बिना विरोध के। और जब आपको कोई विरोध करता हुआ नजर आए, खासकर जिनसे वो सीख के गए हैं, आप समझ लेना उसके पीछे कौन खड़ा है, शुद्ध शैतान नहीं, कौन शैतान, शुद्ध वाला प्योर खड़ा है उसके पीछे। और ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में जो मुसीबतें हैं, जो पारिवारिक संघर्ष है, जो फाइनेंशियल ट्रबल है, जो मेंटल ट्रबल है, वो इतना होता है जितना आपको इंटरनेट पे दिखेगा नहीं कभी भी। इंटरनेट पे सर वो काम करते हुए दिखेंगे, प्रीच करते दिखेंगे, लेकिन अंदर की उनकी घटनाएं आपको कभी नहीं दिखेंगे, संघर्ष कभी नहीं दिखेगा। इसलिए मैं कहता हूं इंटरनेट धोखा देने वाली वस्तु। अगर आज से 15 साल पहले आप प्रॉफिट्स को देखेंगे तो इतने प्रॉफिट्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग थे जिनके पास पूरा डाटा होता था प्रोफेसी करने के लिए। लेकिन जब से फेसबुक आई, प्रॉफिट्स बढ़ गए, क्योंकि आपकी फेसबुक पे सब लिखा है। एक वीडियो मेरे पास एक है, देख कैसे नाम लेके प्रोफेसी हुई। मैंने वो बंदा देख लिया कौन है, उसकी फेसबुक निकाली, उसको हैरान कर दिया मैंने। उसकी फेसबुक पे 1 साल पहले उसने एक पोस्ट डाली थी, मैंने वो पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया, उस बंदे को वापस भेजा, मैंने कहा ये ले तेरी प्रोफेसी। सुनो, कहता मेरा क्या कसूर है, पवित्र आत्मा मुझे वही बताता है जो फेसबुक पे होता है। मैंने कहा काका जिस दिन फेसबुक उड़ गई थी, प्रॉफिट भी तो उड़ जाएगा, सच कह रहा हूं। और वो शर्मिंदा, उसे मालूम हुआ कि नहीं इसको मूर्ख नहीं बनाना, लोगों को बना सकते। मैंने कहा जो बनता है उसे बनाओ, मुझे मत बनाओ। परमेश्वर अगर आपसे सिरदर्द हील कर रहा है तो फेक मत करो, सिरदर्द पे खड़े रहो, एक दिन मुर्दे भी जिंदा होंगे। लोगों को इंप्रेस करने के लिए आप प्रोफेटिक वर्ड दोगे, डोंट वरी, कहीं लोग जाने वाले नहीं, जो आपके हैं आपके रहेंगे। हम प्लेन की नहीं, हम जेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं, जो चंद्रयान गया ना उसकी स्पीड से। और कोई झूठी प्रोफेसी मुझे करने की जरूरत नहीं है आप लोगों, आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं,
मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी के पास रियल वर्ड ऑफ गॉड की नॉलेज है, मैं कह रहा हूं हीलिंग करने की भी जरूरत नहीं, लाखों लोग उसकी चर्च में होंगे, जस्ट वर्ड ऑफ गॉड से। मैं आपको बता रहा हूं, नई जनरेशन क्या देखती है, अच्छा प्रोफेसी की तो लोग आ रहे हैं, डोंट वरी फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, इन लोगों का न्याय होता है, टाइम लगता है, लेकिन होता इसी धरती के ऊपर है और ये लंबा नहीं चलते, प्रॉब्लम इनकी ये। अगर आपको सीधा चलना है आप लंबा चलेंगे, आपको जेन्युइन चलना है आप लंबा चलेंगे। तो जेन्युइनिटी में रहना मुश्किल है, क्योंकि रोज आपको प्रभु की प्रेजेंस में जाना है, आपको रोज खुदावंद की प्रेजेंस में रहना है, आपको प्रेयर करनी है, आपको लाइफ को संभाल के रखना है। लेकिन अगर आपको फेक करना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सारा दिन खाओ पियो बैठो मीडिया में, सब तरह के गलत काम करो और उसके बाद संडे थर्सडे आ जाओ। लेकिन अगर लंबा चलना है जनरेशन तक, तो आपको जेन्युइनिटी में चलना होगा। हालेलुया। और यही बातें जब मुझे सिखाई जाती थी 15 साल 10 साल पहले, तो मैं भी यकीन नहीं करता था, जब तक क्लोज जाके देखा नहीं ये लोग और ये कैसे हैं। तौबा तौबा तौबा, विश्वासियों से बुरे हैं, गिरे हुए विश्वासियों से भी बुरे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैंने कहा इंटरनेट से धोखा मत खाओ, बाइबल पढ़ो, उस पे चलो, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मांगो, सोल सेविंग पे ध्यान दो, हीलिंग चाहिए हीलिंग मांगो, डिलीवरेंस चाहिए डिलीवरेंस मांगो, वो आपको देगा, वो आपको छुड़ाएगा, आपको वचन भी देगा, आपसे बात भी करेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। तो जब मैंने ध्यान से पढ़ा, मैंने क्या देखा कि अगर परमेश्वर इन दो दासियों के 4 बच्चों को 8 बच्चों के साथ मिला के 12 गोत्र कर सकता है, तो परमेश्वर उसके भी एक बच्चे को अपने साथ मिलाकर रख सकता था, लेकिन रिस्पॉन्स बुरा था हाजिरा का। आप जितने हम्बल हैं, आपको मौका मिला कुछ करने का बी हम्बल, कोई स्थान मिला बी हम्बल, नहीं तो परमेश्वर क्या करता है, वो आपको जबरदस्ती फिर हम्बल करता है, जबरदस्ती नम्र करता है, आपको डाउन करके डिमोट करके वो नम्र करता है। जब तक आप नम्र नहीं होते वो आपको बढ़ाता नहीं। बाइबल कहती है नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। जब किसी ने नाश होना होता है तो घमंड आते हैं, और जब ऊपर जाना होता है तो नम्रता आती है। हालेलुया। आप MLA हो सकते हैं, सब लोग आपको सलाम ठोक सकते हैं, लेकिन जब आप अपने बाप के सामने जाते हैं आप सलाम ठोकते हैं, क्योंकि आपको बंदा देखना है कौन किसको इज्जत देनी है और किससे लेनी है। जब MLA गुस्सा कर जाए, हाँ भी डैडी, डैडी भी अगो प्यों होगा दवेक, क्योंकि डैडी को पता है तू मेरा क्या है, तू मेरा बाप नहीं है। एक बाप चाहे तो 10 संतान पैदा कर सकता है, लेकिन 100 संतान मिलकर भी अपने बाप को पैदा नहीं कर सकती। हालेलुया। आप में और आपके बाप में जब भी कोई सही निकलेगा आपका बाप निकलेगा, आपके बाप में और परमेश्वर में जब बहस होगी, जब भी कोई सही निकलेगा तो परमेश्वर निकलेगा। हालेलुया। ये बैलेंस जिसको बनाना नहीं आता वो मूर्ख इंसान है, और मसीह में कॉलिंग में बुलाहट में वो आगे नहीं बढ़ता, इतने लोगों को टच नहीं कर पाता जिसके लिए वो एक्चुअली चुना गया है। मेरा बिलीव है आप लोग ब्लेस्ड हैं, मेरा बिलीव है वचन में बढ़ेंगे, उसकी ताकत में बढ़ेंगे, डिलीवरेंस में बढ़ेंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए, ये बरकत आपकी होगी। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।